जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे। जय राधा रामण राधा रामण श्री राधे। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभु जय जगन्नाथ स्वामी की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लघ्घायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमहाप्रभुं। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे थे किस तरह जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है उसका महिमा देख रहे थे कि किस तरह उर्मिला देवी का भक्ति और विमला देवी का तपस्या और जगन्नाथ जी का कृपा से परिपूर्ण है जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, और जो भी उसको ग्रहण करता है उसमें भगवान की भक्ति संचारित हो जाता है। पर हमको जब ग्रहण करते हैं सेवा भाव से ग्रहण करना चाहिए। कैसे हम भगवान की प्रसाद सेवा भाव से ग्रहण कर सकते हैं? अगर हम भगवान की प्रसाद को पहले बांटेंगे फिर ग्रहण करेंगे तब हम सेवा भाव से ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए जगन्नाथ जी या फिर प्रसाद को जितना हम दूसरों को देंगे बांटेंगे उतना हमारे अंदर भी प्रसाद की कृपा संचारित होगा। तो हम देख रहे थे कि किस तरह शंकराचार्य जगन्नाथ अष्टकम में बता रहे हैं कृपा पारावार, कि जगन्नाथ स्वामी कृपा के पार के ऊपर हैं। रमा बाणी रामः स्फुरद अमल पंकेरुह मुख। जगन्नाथ जी का जो मुखड़ा है मुख इतना सुंदर है जैसे मानो एक पद्म फूल पूरा परिपूर्ण अवस्था में खिला हुआ है, और जगन्नाथ जी का मुख को देख के लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्नित हो जाते हैं। बहुत प्रसन्न से लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी का मुख को देख रहे हैं। सुरेंद्र आराध्य श्रुतिगण सीखा गीता चरित्र, और जितने सारे देवगण हैं और जगन्नाथ जी का आराधना करते हैं। हमने देखा था कि किस तरह मंगला देवी आए नहीं थे तो सारे देवतागण आते हैं जगन्नाथ जी का साथ दर्शन करने के लिए और आराधना करने के लिए। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। तो जगन्नाथपुरी में ऐसे कहा जाता है कि 12 महीने में 13 प्रमुख पर्व होता है, मतलब हर महीने में मिनिमम एक बड़ा पर्व है। जैसे स्नान पूर्णिमा हो गया, उसके बाद रथ यात्रा हो गया, उसके बाद बहुत सारे जन्माष्टमी हो जाएगा, फिर राधाष्टमी आएगा, फिर कार्तिक आएगा। कार्तिक में तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं। तो और हर त्यौहार का मेन जो केंद्र बिंदु रहता है कि किस तरह जगन्नाथ जी को अलग अलग तरीके का प्रसाद खिलाया जाए। और जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है उसमें 3 गुण है। कोई भी प्रसाद हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं उसमें 3 प्रमुख गुण होना चाहिए। आप सबको पता है सुकोमल कैसे कोमल होगा हाँ सुगंधित। तो पहला है सुदृश्य, वो देखने में सुंदर होना चाहिए।
तो जगन्नाथ जी का प्रसाद बहुत देखने में बहुत सुंदर है, जैसे मिट्टी का बर्तन में और अलग अलग बर्तन में आपको, आप केला के पत्ते में जगन्नाथ जी का अलग अलग प्रसाद सजा दीजिए, बहुत ही सुंदर दृश्य होगा। और दूसरा है सुगंध। हमने तो कथा सुना सुगंध क्यों आता है, सुगंध। और तीसरा है सुस्वादु, और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी प्रसाद होता है जो भगवान को परिवेशन किया जाता है, ये तीन प्रमुख उसमें क्वालिटी गुण रहना चाहिए। एक है उस देखने में सुंदर होना चाहिए, और बहुत अच्छा फ्रैग्रेंस होना चाहिए, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, वो तीन प्रकार के प्रसाद जगन्नाथ जी को अर्पण किया जाता है। तो आप सब अभी मन में उसको प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम कलकत्ता में हैं, आप सबको दे नहीं पाएंगे, पर जब हम जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो ज़रूर आप सबको मैं ये जो आज डिस्कस करेंगे खिलाएंगे। तो तीन प्रकार के प्रसाद होता है। एक होता है सुखीला, सुखीला इन ओडिया मीन ड्राई, सूखा। और एक होता है संकुड़ी, संकुड़ी मतलब वेट प्रसाद, जो कुक्ड प्रसाद। सुखीला इज ड्राई प्रसाद इज ऑल्सो कुक्ड, बट when rice, dal and all those things are cooked with water and salt, then it becomes sankhudi, the wet prasad. And another is nirmalya. Nirmalya matlab the prasadam, jo rice hai, usko agar sukha denge, wo pura chota 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 thoda dana ban jata hai. Usko kabhi kabhi ekadasi ke baad log usse paran karte hain. Usko nirmalya bataya jata hai. तो तीन प्रकार की प्रसाद मिलते हैं। आप अगर जगन्नाथ पुरी जाएंगे और एंटर करते समय बहुत सारे लोग आपको रेड कलर का बैग दे देंगे, तो छोटा 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 पारण करने के लिए, द्वादशी में पारण करने के लिए लीजिए लीजिए, इसको निर्माल्य बोलते हैं। निर्माल्य मतलब जो राइस जगन्नाथ जी को अर्पण किया गया उसको सुखा देते हैं, उस सुखा के फिर उस राइस को बैग में डाल देते हैं, उसको आप लेके आ सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं महाप्रसाद द्वादशी में पारण करने के लिए। तो सुखीला ड्राई एंड संकुड़ी एंड निर्माल्य। पर जितने सारे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद बनता है, सबसे स्पेशल जो समय है जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद खाने का, जाने का, वो है दिसंबर महीने का समय। क्यों? क्योंकि साल में एक बार लक्ष्मी जी अपने मायके जाती हैं, और आपको पता है कि हमारे में यहाँ प्रथा है कि जनरली मायके जाते हैं लड़कियां लोग। तो लक्ष्मी जी का मायके कहाँ है? समंदर। तो समंदर के देवता हैं, उधर लक्ष्मी जी को लिया जाता है, लक्ष्मी जी का उत्सव विग्रह को एक महीने के लिए समुंदर देवता के पास लिया जाता है। वो पूरी मंदिर से थोड़ा दूर, 4-5 किलोमीटर दूर उधर मंदिर है। तो ओडिया में समुंदर को दरिया बोलते हैं, तो दरिया देव, तो उधर लिया जाता है। तो धनु संक्रांति के दिन दिसंबर 15 में, ऑलमोस्ट 14 या 15 में लक्ष्मी जी मायके चली जाती हैं। और जैसे ही लक्ष्मी जी मायके चले जाते हैं, पूरा मंदिर में पूरा कंट्रोल सासू माँ के हाथ में आ जाता है, क्योंकि सबको पता है शादी होने के बाद किचन का कंट्रोल, ट्रेजरी का कंट्रोल, सब कुछ धीरे 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 सासू माँ के हाथ से जाके बहू के हाथ में चला जाते हैं, नेचुरल है। और जो सासू माँ नम्र होते हैं तो झगड़ा नहीं होता है, जो थोड़ा नम्र नहीं रहते हैं और सास बहू में तू मैं होता रहता है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्री
धीरे धीरे एक 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 करके हर साल बहू के हाथ में चले जाती है। अब जगन्नाथ जी तो लक्ष्मी जी से कब से शादी किए होंगे, तो सब लक्ष्मी जी के हाथ में है। तो 11 महीना लक्ष्मी जी के हाथ में ट्रेजरी रहता है, फाइनेंस, होम, किचन, सब डिपार्टमेंट लक्ष्मी जी के अंडर में रहता है। और देवकी, यशोदा महारानी देवकी जो भी बोले वो बस क्या कर सकते हैं, खाओ। बहू बोलती है सासू माँ मैं आपको खिलाना चाहता हूँ। पर देवकी जी के हृदय में इच्छा रहता है कि मैं भी भगवान के लिए कुछ बनाऊं। तो भगवान ये लीला करते हैं कि अपनी वाइफ को घूम के आऊं, देख के आओ क्या चल रहा है। तो भेज देते हैं और लक्ष्मी जी क्या फैन फेयर के साथ जाती हैं, बाप रे बहुत। और भगवान भी बहुत अच्छा आयोजन करते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर लेते हैं। और जैसे ही लक्ष्मी जी आते हैं और तुरंत चाबी मिल जाता है यशोदा महारानी या देवी की देवी को। और जनरली पूरा 11 महीना जब प्रिपरेशंस होता है, टाइमिंग का कुछ अत्ता पत्ता ही नहीं है। मतलब बाकी 11 महीना जो प्रसाद बनता है, आप अगर 4 बजे प्रसाद बोला है तो 6 बजे निकलेगा। और पुजारी लोग बोलते हैं कि हम आप अगर पुजारी लोगों को जाके पूछेंगे क्यों लेट हुआ, हमने कहा लेट किया, वो तो लेट हो ही जाता है। और देवकी देवी को बहुत कष्ट होता है कि अरे मेरा बेटा का गैस हो जाएगा, मेरा बेटा का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, कभी टाइम पे खिलाता नहीं है, इतना लेट कर देता है, मैं होता तो कर देता, अब क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे मन ही मन सोचती रहती हैं पूरा 11 महीना। और ये दिसंबर धनु संक्रांति से लेके एक महीना मकर संक्रांति तक देवकी जी जब चार्ज में आते हैं, पहला चीज करते हैं कि सुबह सुबह अलोंग विथ सम ड्राई प्रसाद देवी की देवी थोड़ा खिचड़ी बना देते हैं। और वो खिचड़ी क्या स्पेशल होता है, उसमें राइस, मूंग दाल, नारियल और हींग और अदरक होता है और घी, राइस और मूंग दाल। और वो बहुत ड्राई ड्राई होता है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरा फैल जा रहा है, ऐसे नहीं, थोड़ा ड्राई खिचड़ी होता है। राइस, मूंग दाल, द क्वांटिटी ऑफ राइस एंड मूंग दाल वुड बी लाइक 60-70% राइस एंड 40% मूंग दाल। मूंग दाल को पहले रोस्ट किया जाता है एंड रोस्टेड मूंग दाल एंड राइस बॉयल होता है एंड बॉयल होके हींग और अदरक पड़ता है और घी का छोक आप दे सकते हैं, घी का तो घी दिया जाता है। और वो खिचड़ी इतना फेमस है, ये केवल आपको देवकी के हाथ का खिचड़ी आपको दिसंबर महीने में ही मिलेगा। अब बाकी साल में जाएंगे आपको खिचड़ी मिलेगा, पर ये जो टेस्ट है स्पेशल खिचड़ी जो जगन्नाथ जी की मम्मी माता बनाते हैं स्पेशली कि मेरे बेटे का गैस हो जाएगा, इतना समय भूखा, बाप रे बाप, मैं बेटे को मोटा तंदुरुस्त कर लूँगा ये एक महीने में। और स्पेशली एक महीने में बहुत स्पेशल स्पेशल प्रसाद बनता है जो बाकी टाइम पे इतना अवेलेबल नहीं रहता है। और क्योंकि देवी की देवी बहुत जल्दी प्रसाद बना देते हैं, तो ये जो टाइम का प्रसाद को पहली भोग बोलते हैं, पहली भोग, पहली मतलब पहला, जल्दी जल्दी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये महीने में 2 बजे बोला तो 2 बजे, 4 बजे बोला तो 4 बजे, टाइमिंग का बहुत अच्छा मेंटेन किया जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो ही जाता है, पर जगन्नाथ जी को देवी की देवी पहले से ही प्रसाद खिला के बिठा देते हैं। लेट हुआ तो भी कुछ टेंशन नहीं, तुम तो खा ही लिया ना, कुछ तो खिचड़ी गिर गया है तुम्हारे पेट में, गैस तो नहीं होगा। तो जगन्नाथपुरी में
भगवान को अपने घर की सदस्य की तरह ट्रीट किया जाता है। जैसे खाना के बाद थोड़ा पान देना और थोड़ा बिटल नट देना, और जगन्नाथ जी का सुबह सुबह जब उठते हैं उनका दातून है, मिरर है, और ब्रश भी करते हैं। दांत है कि नहीं? दांत है पर दिखाई नहीं देता। इसीलिए मैं बोला हूँ कि पहले ही डिस्क्लेमर कि मंगला देवी का अगर आप हृदय अगर साफ नहीं करेंगे तो फिर जगन्नाथ जी का लीला कुछ क्या बोलें प्रभु जी। तो दातून है, और जगन्नाथ जी का दातून जिसके सर पे ऊपर लगा है, ऐसे कहा जाता है, शास्त्र कहता है जिसके सर के ऊपर जगन्नाथ जी का दातून लगता है वो तुरंत इस जड़ बंधन से मुक्त हो जाता है। इसीलिए हमने देखा है जयपतक महाराज और भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जगन्नाथ जी का दातून रखते हैं, तो दातून से कृपा देते हैं। तो जगन्नाथ जी का दातून बहुत पावरफुल है, और दर्पण भी है, और जगन्नाथ जी मुंह भी धोते हैं, आचमन भी करते हैं और प्रसाद लेते हैं। तो ये दिसंबर 15 से जो जनवरी 15 मकर संक्रांति का पीरियड को पहली भोग बोला जाता है। आपको अगर सही में प्रसाद ग्रहण करना है जगन्नाथ जी का, स्पेशली जा रहे हैं खाली प्रसाद खाने के लिए, तो आप इसी समय चाहिए। इस समय स्पेशल स्पेशल आइटम बनता है, और एक आइटम बनता है उसका नाम है पाचेड़ी। उसमें दही रहता है, मूली ग्रेटेड रहता है, और एप्पल रहता है, पोमोग्रेनेट रहता है, और कुकुम्बर रहता है, और उससे एक स्पेशल, और अदरक रहता है, और एक स्पेशल अदरक जगन्नाथपुरी में मिलता है जो अभी तक मैं बंगाल में इतना दिन रहा मिला नहीं, एक बार मैं खाया था, इतना फेमस नहीं है बंगाल में। और वो जो अदरक है उसका टेस्ट आम की तरह है, उसको खाएंगे ऐसा लगेगा कि अदरक का जो झाल है वो भी आएगा और आम का खुशबू भी आएगा, और उसको आम अदरक बोला जाता है। और इसमें वो आम अदरक दिया जाता है, उसको जब खाएंगे लगे अरे मैं आम खा रहा हूँ क्या, पर अभी तो दिसंबर का महीना है, पर अदरक का भी स्मेल आएगा, आम का भी स्मेल आएगा, उसको आम अदरक बोला जाता है। आपने खाया है? आपका जीवन 100% वेस्ट है। तो ये आइटम पाचेड़ी कहलाता जाता है, उसमें नारियल ग्रेटेड और अदरक, और ये आम अदरक गिरता है, और इसके साथ एक आइटम खाया जाता है, आप सब घर में बना सकते हैं इसको, दही और ग्रेटेड कोकोनट, पोमोग्रेनेट, एप्पल और कुकुम्बर, खीरा को ग्रेट करके, और उसमें नमक 50% नमक 50% शुगर पाउडर दोनों मिला के, फिर अदरक, अदरक का पेस्ट, और थोड़ा ग्रीन चिली का पेस्ट, ये डाल के ये पाचेड़ी बनता है। पर अदरक जो है, पर ये अदरक आम अदरक होना चाहिए, तब जाके वो टेस्ट आएगा, और धनिया पत्ता। और इसके साथ एक चीज़ खाया जाता है, वो है अमालू। आप सब ने खाया है? तो अमालू होता है, आप आटा ले लीजिए, आटा के अंदर दूध डाल दीजिए, दूध या पानी जो भी, अगर कोई गरीब है तो पानी डालता है, कोई अगर धनी है तो दूध डालता है। तो हमारे घर में तो दूध और पानी मिल के डालता था। हम मिडिल क्लास हैं। तो और उसके अंदर आप ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, या फिर कोई कोई जो केला होता है, केला का पका हुआ केला को ग्राइंड करके जो सिरप टाइप का बन जाता है उसको डाल देते हैं, या फिर ऐसे खाली में कर सकते हैं, और उसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल दीजिए और शुगर पाउडर डाल दीजिए, और उसको ऐसे जैसे उत्तपम जैसे बनता है ना, उत्तपम जैसे वो बैटर बन जाएगा, और उससे आप घी के ऊपर या फिर रिफाइन ऑयल के ऊपर, तवा के ऊपर आप उत्तपम बनाइए, मीठा उत्तपम, आटा मीठा उत्तपम, और उसके साथ ये पाचेड़ी क्या फिट होता है। और जैसे ही आप खा लेंगे तुरंत आपको नींद लगेगा,
जिसको भी नींद का प्रॉब्लम है ये कॉम्बिनेशन अगर खाएगा मैं गारंटी देता हूँ उसको नींद लगेगा। और मैं खुद खाया हूँ, इतना कहाँ से नींद आता है, क्योंकि वो ये मीठा और ये खट्टा और जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा आपको नींद लगेगा। और फिर जगन्नाथ जी को सपने में देख सकते हैं आप। तो ये अमालू और पाचेड़ी ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, ये जो स्पेशल पाचेड़ी में बोल रहा हूँ, वैसे पाचेड़ी तो मिलता रहता है पर स्पेशल पाचेड़ी जो मिलता है वो विंटर सीजन में यही समय में देवकी के तत्वावधान में जब किचन चल रहा है मिलता है, और वो बहुत टेस्टी होता है अमालू के साथ। एक लंबा अमालू इतना बड़ा उत्तपम की तरह मीठा उत्तपम, और ये पाचेड़ी को आप ग्रहण कर सकते हैं। तो आपने कभी खाया है? नहीं खाया तो जब जगन्नाथ पुरी जाएंगे तो ज़रूर इसको खाइए, अमालू और पाचेड़ी। तो फिर ऐसे बहुत सारे आइटम देवकी जी बनाते हैं, ये बनाते हैं वो बनाते हैं, और लक्ष्मी जी उधर परेशान हो रहे हैं, बाप रे कि मैं अगर फिर वापस जाऊंगा किचन मिलेगा कि नहीं हाथ में। तो लक्ष्मी जी क्या करते हैं, अपने मायके से हर दिन अलग अलग चीज़ें इकट्ठा करती हैं, और एक महीने के बाद लक्ष्मी जी वापस जब आते हैं जगन्नाथ मंदिर, बहुत सारे सामान के साथ आते हैं, लेके आते हैं। उसमें चावल रहता है, स्पेशल टाइप का घी रहता है, छेना रहता है, छेना जानते हैं दूध को फटाने से जो मिलता है, छेना रहता है, फिर स्पेशल टाइप का आलमंड, काजू, बादाम, किशमिश सब लेके आते हैं, और ऐसे स्पेशल राइस लेके आते हैं, बहुत सुगंधित राइस लेके आते हैं, दूध लेके आते हैं। तो ये सब लेके आते हैं, और लक्ष्मी जी बोलते हैं जगन्नाथ जी को कि देखिए मैं ये सब लेके आया हूँ, मैं स्पेशल आइटम कुछ बनाना चाहता हूँ। तो स्पेशल आइटम बनाने के बहाने किचन का की मिल जाता है, फिर साल भर के लिए वापस नहीं जाता है। और वो जो स्पेशल आइटम बनाते हैं लक्ष्मी जी, उसको मकर चावल बुलाया जाता है। ये मकर चावल इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी है कि पूरा ब्रह्मांड में इसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। आपने खाया घर में? आपका 100% लाइफ वेस्ट है। मकर संक्रांति के दिन मैं केवल दिन में 3 बार मकर चावल ही खाता था, और मेरे पिताजी को ये मकर चावल बनाना बहुत अच्छे से आता है। चावल को दूध में पहले भिगोया जाता है, और वो पूरा नरम हो जाता है ना, भिगो के पूरा पूरा सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है दूध के साथ, और वो फिर से भिगोया जाता है। उसमें छेना, रबड़ी, काजू, मधु, इलायची और एक कोरा रहता है। कोरा मतलब लिया जानते हैं, लिया मतलब जब आप राइस को सैंड के ऊपर रोस्ट करेंगे तो वो मुड़ी बनता है, पफ्ड राइस बनता है, पर जब धान को मतलब राइस के ऊपर का जो पोर्शन होता है धान, खोई बोलते हैं, लिया बोलते हैं ओडिया में, उसको जब करते हैं तो फटके ऐसे वाइट वाइट बनता है जो बहुत लाइट होता है, उसको भी डाला जाता है। और फ्रूट्स डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं, और शुगर डाला जाता है, और गुड़ डाला जाता है, और वो इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी। इलायची डाला जाता है और ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला जाता है, और उसको ऐसे खिलाते हैं जगन्नाथ जी को कि जगन्नाथ जी फिर 11 महीने के लिए चाबी उनके हाथ में आ जाता है। तो ये मकर संक्रांति में मकर चावल आप सब ट्राई कर सकते हैं, मकर चावल बनता है। अभी तो मेरा पेट खराब रहता है, मकर चावल डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, चावल उबला हुआ चावल डाइजेस्ट नहीं होता है, पर मैं जब बचपन में था हर दिन मकर चावल के दिन 3-4 बार खाली इसी को खाता था, ना राइस, ना रोटी, ना सब्जी, कुछ नहीं, ये मकर चावल। तो ये मकर चावल है जो लक्ष्मी जी खिलाते हैं।
तो और तरह तरह का ड्राई प्रसाद मिलता है, उसमें से एक ड्राई प्रसाद जो सुखीला ड्राई प्रसाद है, एक तो मैं बताया अमालू, ये भी ड्राई प्रसाद है, और एक होता है पारिजात। पारिजात जो होता है, आप जब पूरी जाएंगे मांगना पारिजात मेरे को खाना है, ये डार्क ब्राउन कलर का होता है, इतना गोल गोल होता है, और आप जब खाएंगे मुंह में डालेंगे जैसे आप किटकैट का वेफर खाते हैं ना, वेफर वेफर होता है ना, अंदर कैसे पूरा एयर हो जाता है, और वेफर खाए हैं, समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, हाँ, कुछ कुछ चॉकलेट आता है ना जिसमें वेफर रहता है, मतलब किटकैट, किटकैट के बीच में कैसे रहता है, ऊपर तो ऐसे उसका गुड़ रहता है, उसके अंदर कैसे रहता है, पूरा एग्जैक्ट वैसे ही है, और जैसे खाएंगे क्रिस्पी रहता है और हवा भी रहता है, और इतना आप खा सकते हैं उसको, पर मिलता कम है। और एक बार हम सारे ब्रह्मचारियों के लिए मैं ये पारिजात लेके आया था कलकत्ता मंदिर में, बहुत सारा पारिजात लेके आया था, और बहुत अच्छा बना था, ऊपर उसका शुगर कोटिंग रहता है और आटा से बनता है, और अंदर पूरा क्रिस्पी रहता है, खोखला रहता है वो, और ऐसे डालेंगे तो वो खोखला होके क्रिस्प क्रिस्प होके कैसे कैसे लगे यार, इतना टेस्टी है। आपने खाया है, आपका जीवन 100% वेस्ट है अगर पारिजात नहीं खाया है। पारिजात मतलब स्वर्ग का, पारिजात फूल होता है ना, स्वर्ग का ये ड्राई प्रसाद पारिजात, वेरी स्पेशल ड्राई प्रसाद। और एक होता है डालिंब, डालिंब जैसे पोमोग्रेनेट होता है, पोमोग्रेनेट अनार, अनार का दाना कैसे होता है, अलग 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 होता है, तो वो अनार का दाना जैसे बड़ा बड़ा दाना होता है, उसको एक ऐसे बांध के रस्सी से दे देते हैं, और उसको एक एक खोल के इतना छोटा छोटा गोल गोल बॉल टाइप का होता है, स्पेरिकल बॉल, उसके ऊपर पूरा शुगर जैगरी का कोटिंग रहता है, और उसको खाएंगे ऐसे करेंगे पूरा बहुत जोर से ऐसे करेंगे, पूरा तोड़ना पड़ता है, और उसका अंदर बहुत ड्राई रहता है, और वो बहुत टेस्टी होता है, और अगर आपने खाया नहीं उसको आप समझ नहीं पाएंगे क्या होता है। और जनरली जब लड़की के साइड में लड़का देख के वो सब फिक्स हो जाता है पूरी में, पूरी साइड में, तो ये प्रसाद देते हैं ये बता के कि हमारा लड़की जो आ रहा है ऐसे है, बाहर तो सुगर है बट बहुत हार्ड है, देख के देखभाल करना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और जनरली महाप्रसाद जगन्नाथपुरी में कभी भी कुछ भी होता है, सब जगन्नाथ जी को केंद्र करके होता है, शादी भी होता है, जैसे शादी में जाके आपने लड़का देख के आगे या लड़की देख के आगे, तो लड़की फिक्स हो गया तो फिर महाप्रसाद एक्सचेंज होता है, और यही महाप्रसाद एक्सचेंज होता है कि वो जो थोड़ा ऐसे करने से पूरा बहुत आप ऐसे मुंह में डालेंगे तो पूरा गुड़ है, बहुत मीठा है, पर जैसे दबाएंगे आप अगर केयरफुल नहीं हुआ आपका जवान भी कट सकता है, बहुत हार्ड होता है, और उसको जो तोड़ दिया मतलब सही में उसका दांत शक्तिशाली है, तो ये डालिंब होता है। और एक होता है लूणू खुड़ुमा, वो ऐसे गोल गोल होता है मठरी की तरह, मठरी जानते हैं, मठरी इज ए नॉर्थ इंडियन आइटम जिसमें मैदा और अजवाइन और तेल या घी डाल के उसका बनाया जाता है और उसको फ्राई किया जाता है, तो मठरी का बड़ा भाई लूणू खुड़मा ऐसे होता है, और वो नमक दिया जाता है, नमकीन होता है और अजवाइन रहता है, और ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि इतने सारे मीठा आइटम खा रहे हैं तो अजवाइन का ये आइटम खाने से पेट ठीक रहेगा, तो ये अजवाइन वाला आइटम है, अजवाइन एक्चुअली डाइजेस्ट कर लेता है, ऐसे होता है ना जैसे हजमोला ये सब में अजवाइन रहता है, तो अजवाइन का ये आइटम है नमकीन और अजवाइन के साथ, मठरी भी बोलते हैं, बट मठरी थोड़ा पतला होता है, ये थोड़ा मोटा होता है, गोल गोल होता है। अब खाएं लूणू खुड़मा,
आपका जीवन वेस्ट है। और एक होता है मगज लड्डू। तो ये मगज लड्डू जो होता है, लिटिल हार्ट्स बिस्कुट खाएं, जिसमें उसमें सुगर क्रिस्टल्स कैसे ऊपर रहता है, आप जब खाएंगे तो सुगर सुगर चबाते रहेंगे। तो ये लड्डू होता है, इस ये जो सूजी होता है, सूजी को पहले रोस्ट किया जाता है, घी में रोस्ट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, रोस्ट किया जाता है, और सुगर सिरप में उसका बॉल बनाया जाता है, और उसमें सुगर दाना भी रहता है, और वो बहुत सॉफ्ट होता है, ऐसे करके गोल बनाया जाता है, और उसको खाएंगे तो सूजी, सुगर क्रिस्टल और घी का ऐसे अपूर्व स्वाद आपको मिलेगा कि इस दुनिया का सब स्वाद आप भूल जाएंगे। ये है मगज लड्डू। और एक बार की बात है, हमने सुना कि सारे देवता लोग आते हैं, तो और एक बार एक व्यक्ति जब दरवाज़ा बंद करने के लिए जा रहा था रात में, तो वो देखा कि एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, तो इस व्यक्ति को थोड़ा डाउट हुआ, क्योंकि ये व्यक्ति का जो हाव भाव था थोड़ा अजीब गरीब था, और इसका चरण भूमि में नहीं लग रहा था। तो ये पुजारी को बहुत डाउट हुआ। ये सुआर था, सुआर मतलब जगन्नाथपुरी में अलग अलग लोगों को जो सेवा दिया जाता है, तो अलग अलग उसका नाम बताया जाता है, जैसे मेकअप, जो मेकअप करते हैं जगन्नाथ का, उनका मेकअप बोला जाता है, जो माली जो फूल का काम करते हैं, फिर और होता है कि जो भगवान के लिए खाना बनाते हैं उनको सुआर बोला जाता है, गौरा बड़ू जो पानी का काम करते हैं। और जगन्नाथपुरी में ऐसा है कि आपको अगर आपके पूर्वजों से मिला है कि अदरक को पेस्ट बनाना, तो आपका बेटा अदरक पेस्ट बनाएगा, आपके दादाजी अदरक पेस्ट बनाते थे, आपके पिताजी अदरक पेस्ट बनाते थे, आपका बेटा भी बनाएगा, आपका परदादा, दादा, पोता, पोती सब क्या बनाएंगे, क्या करेंगे, अदरक का पेस्ट बस। एंड दे आर हैप्पी विद दैट सर्विस ऑल्सो, दे आर नॉट डलिंग, अरे थोड़ा सेवा चेंज हो जाए, जैसे हमारे मंदिर में ब्रह्मचारी बोलते हैं, इतना दिन से यही सेवा कर रहा हूँ, थोड़ा सेवा अलग हो जाए। सो दिन से वो सेवा नहीं कर रहे हैं, पुरखोतों से, फोर फादर से वो वही सेवा कर रहे हैं। किसका अगर सेवा है, पानी को लेके जाना सुबह सुबह, बस वो पानी लेके जाएगा, हर दिन वो पानी लेके जाएगा, उसका बेटा भी पानी लेके जाएगा, और बेटा को लेके आ जाता है, ट्रेनिंग देता है, उसमें ट्रेनिंग देना है, बट ट्रेनिंग होता है उनका, वो बेटा भी पानी लेके जाएगा, उसका बेटा क्या करेगा, पानी लेके, उनका सेवा चेंज नहीं होता है। और जो अदरक पेस्ट कर रहा है, अदरक पेस्ट करेगा, जो नारियल ग्रेट कर रहा है, वो नारियल ग्रेट करेगा, उसका पुरुख तक सेवा चेंज नहीं होता है। तो ये हम एक जगन्नाथ पूरी से सीख सकते हैं कि कोई, एवरीवन इज सैटिस्फाइड विथ व्हाट एवर सर्विस दे हैव गॉट, दे डोंट वांट मेरा ये सेवा था, वो सेवा, मैं वो सेवा करता हूँ, ये सेवा नहीं अच्छा लग रहा है, ये करता हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक ही सेवा वो करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। तो एक दिन ये सुआर, सुआर मतलब जो प्रसाद बनाता है, तो वो देखा ये ब्राह्मण जैसे आदमी उनके पीछे 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 जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया, जाने लग गया। फिर ये व्यक्ति उसको देखा कि मेरा पीछा कर रहा है, इसको भी और थोड़ा वो हो गया, वो भी जाने लग गया, ये भी चलने लग गया, चलने लग गया, चलने लग गया। फिर उसके बाद ये सुअर क्या किया, वो व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया, और जैसे हाथ पकड़ लिया वो व्यक्ति बोला, आप मेरे पीछा क्यों कर रहे हैं, ना आप शायद इधर के लोग नहीं हैं, ना हम इधर का लोग नहीं है। तो उसके हाथ में एक, लो जगन्नाथ प्रसाद लो, ऐसे करके वो वैनिश हो गया। और वो व्यक्ति जब खाया उसको, तो वो बहुत ही स्पेशल था, तो वो तो सुअर था, खाना बनाता था, तो उसी टेस्ट का वो खाना बनाया,
और उसको सूरो पिठा बोला जाता है। पिठा मतलब केक, सूरो मतलब देवता। कोई कोई बोलता है ये इंद्र था, बट कोई तो देवता होगा जो कुछ घर में अपनी वाइफ ने बनाया होगा तो उसको ऑफरिंग करने आया होगा, तो उसका महा वाइफ के लिए लेके जा रहा था पर ये पीछे पड़ गया तो उसी को दे दिया, मेरे को छोड़ो मैं जा रहा हूँ। तो वो खा के ये सुअर ने, जो अभी भी वो सूरो पिठा रात में ऑफरिंग होता है क्योंकि रात में देवता लोग आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, तो वो सूरो पिठा ड्राई प्रसाद में रात में जगन्नाथ जी को ऑफरिंग होता है। और एक होता है पोड़ो पिठा, ये उस इसमें होता है उड़द दाल, चावल और नारियल, नारियल को काट के छोटा छोटा पीसेस बना जाता है और उसको घी में रोस्ट किया जाता है, फ्राई किया जाता है, उसमें डाला जाता है, और शुगर पाउडर और उसके बाद इलायची और ब्लैक पेपर पाउडर उसको डाल के आप जो केला का पत्ता होता है, केला के पत्ते के ऊपर उसको बिठा के बंद करके उसको जलाया जाता है आप, या फिर अगर घर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में आप कर सकते हैं, पर वो प्रेशर कुकर में आप घी डाल के उसके ऊपर सूजी डाल के ये बटर डाल के फिर वो केक की तरह पूरा निकल जाता है ऐसे, और उसको काट के इतना टेस्टी होता है। मेरी मदर इतना एक्सपर्ट थी इसको बनाने में, इसको बोला जाता है पोड़ो पिठा, इतना अच्छा लगता है, स्पेशली जो जला हुआ पोर्शन है इसका इतना टेस्टी होता है। मैं तो क्या करता था, वो पूरा जला हुआ पोर्शन को निकाल देता था, बाकी सब घर के लोग खाते थे, मैं वो जला हुआ पोर्शन खाता था, वो काला काला सूजी के साथ, और बहुत टेस्टी होता है। मैं कैसे बताऊं, आपने खाया ही नहीं, आपका जीवन 100% वेस्ट है। और एक होता है काकेरा, काकेरा खाया है? तो काकेरा होता है आटा को पानी में, गुड़ की पानी में आटा को ऐसे डाला दिया जाएगा और वो गुड़ की पानी में आटा ऐसे उबलेगा, उसमें सौंफ डाल दिया जाता है गुड़ की पानी में, सौंफ गुड़ का पानी और आटा ऐसे उबलेगा, उसके बाद उस आटा को डो बनाया जाता है, डो समझते हैं गोल, उसके बाद बड़ा सा एक ततला में छोटा छोटा ऐसे पूरी की तरह, मोटा मोटा पूरी की तरह बनाया जाता है और उसको घी या तेल में छाना जाता है, और वो मीठा ज़्यादा नहीं होता है और थोड़ा मीठा रहता है, सौंफ के वजह से उसका टेस्ट अलग आता है, और उसको आप दाल के साथ, मतलब थिक दाल के साथ आप खा सकते हैं, इतना टेस्टी होता है वो, इसको बोलते हैं काकेरा। और एक होता है जगन्नाथ बल्लभ, जगन्नाथ बल्लभ आटा से बनता है, आटा और बड़ी इलायची डाल के और शुगर पाउडर डाल के, वो जैसे जैसे मैसूर पाक होता है बेसन का, इट इज़ आटा का मैसूर पाक, इट इज़ जस्ट लाइक मैसूर पाक बट मेड विथ आटा एंड बड़ी इलायची। एक होता है छोटी इलायची ग्रे कलर का, एक होता है बड़ी इलायची जो है ब्लैक कलर का, तो ये बड़ी इलायची डाल के आटा का मैसूर पाक जो है जगन्नाथ बल्लभ, मतलब जगन्नाथ जी को जो सबसे ज़्यादा ड्राई प्रसाद में प्रिय है जगन्नाथ बल्लभ। और एक होता है आरिसा, आरिसा होता है राइस पाउडर विथ गुड़, एंड गुड़ और राइस पाउडर को पहले कढ़ाई में बनाया जाता है जैसे मांड की तरह, और उसको बाद उसका ऐसे गोल 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 बनाया जाता है और तेल या घी में छाना जाता है, और ये आरिसा तो एक महीने तक रहता है और इतना टेस्टी होता है। दिस आरिसा इज कॉल्ड द किंग ऑफ ऑल ड्राई स्वीट्स। आपने खाया है, आपका जीवन 100% वेस्ट है। और कितना बताऊँ, इतना सारा बता दिया, पारिजात, दाळिंब, लूणू खुड़मा, मगज लड्डू, सूरो पिठा, पोड़ो पिठा, आरिसा, काकेरा, और एक होता है एंडूरी,
एंडूरी स्टीम्ड केक, स्टीम करके बनाया जाता है, जो उरड दाल और चावल का पेस्ट को, जैसे इडली बनता है तो उस इडली के अंदर अगर आप कोकोनट और गुड़ का स्टफिंग्स डाल देंगे और उसके बाद स्टीम कर देंगे, वो जो बनेगा उसको बोला जाता है एंडूरी। तो इस तरह और भी बहुत प्रकार के हैं, नाम बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, उधर जाके आपको एक एक करके खाने से आपको समझ में आएगा कि ये तो बस मैं आपको ट्रेलर बताया हूँ ड्राई प्रसाद का। तो इस तरह इतने सारे ड्राई प्रसाद जगन्नाथ जी हर दिन खाते हैं, ऐसे नहीं कि आज खा लिया कल नहीं खाएंगे, हर दिन जगन्नाथ जी को मिलता है और हजम भी कर लेते हैं बिना हजमोला का। और होता है वेट प्रसाद। वेट प्रसाद में एक खासियत है, जगन्नाथ जी का छोक नहीं लगता है और देयर इज नो मसाला, नो मसाला इज यूज्ड, नो ग्रीन चिली इज यूज्ड। जगन्नाथ प्रसाद में ग्रीन चिली इज नॉट यूज्ड, मसाला इज नॉट यूज्ड एंड कोई भी टमाटर, कोई भी प्रकार की विदेशी वेजिटेबल इज नॉट यूज्ड, ऑल देसी। इवन पटाटो, एक वैरायटी ऑफ पटाटो इज देयर, उसको देसी पटाटो बोला जाता है और उतना टेस्टी होता है वो। तो उससे बनता है। तो आप तो खाए होंगे राइस, एक तो होता है राइस और दूसरा होता है घी का राइस। जब तो एक होता है राइस और एक होता है दाल, दाल में बहुत सारा सब्जी डाला जाता है और बहुत सारा सब्जी डाल के जो दाल बनता है उस वो बनता है, और दूसरा एक मीठा दाल बनता है, आपने खाया है तो एक मीठा टाइप का दाल बनता है। और और एक मीठा दाल बनता है और एक मस्टर्ड पेस्ट डाल के एक बनता है, उसको बेसर बोला जाता है। उसमें मस्टर्ड पेस्ट, आलू और केला छोटा छोटा काट के एक सब्जी बनता है, उसको बोला जाता है बेसर। और एक होता है मिक्स्ड ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल के एक बना जाता है, उसको बोला जाता है ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाल के उसको बोला जाता है महूरा, आपने खाया है महूरा एंड बेसरा। और एक साग अलग अलग टाइप का बनता है और एक स्पेशल आचार बनता है, चटनी। ये चटनी, इसको ओउ बोलते हैं, आपने कहा है ओउ, ये ओउ इज कॉल्ड एलिफेंट एप्पल। ये ऐसा एक फल है, खट्टा होता है और इसके अंदर फूल रहता है, पहले तो फूल ऐसे खिलेगा पर उसके बाद ऐसे 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 जैसे कॉलीफ्लावर होता है जिसका फूल रहता है, ऐसे पहले फूल खिलेगा, बहुत सुंदर उसका फूल होता है। आप सर्च कर सकते हैं गूगल में एलिफेंट एप्पल, उसका क्या चटनी बनता है। ऐसे कहा जाता है पुरी में कि पार्वती देवी स्वयं इसको लेके आके जगन्नाथ जी के लिए चटनी बनाए थे और तब से ये ओडिशा में मिलता है, ये पार्वती देवी स्वयं इसको लेके आई हैं। तो वो ऐसे फूल बनता है, फिर धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाता है और ऐसे गोल ग्रीन कलर का बन जाता है, उसका ऐसे 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 कैबेज की तरह मोटा मोटा निकलता है और उसको छोटा छोटा काट के नारियल के साथ शुगर सिरप डाल के, शुगर डाल के जैसे टमाटो चटनी बनता है वैसे बनाएंगे, इट इज़ सो टेस्टी, एक्सट्रीमली टेस्टी। जैसे टमाटर, कॉलीफ्लावर, कैबेज,
कैरेट ये सब यूज नहीं होता है क्योंकि दीज आर ऑल मोड ऑफ पैशन, रजोगुणी वेजिटेबल्स है। और सिमिलरली इमली, इमली का खट्टा भी ऑफरिंग नहीं होता है क्योंकि इमली भी रजोगुण में है। पर जो ओऊ होता है ये सत्वगुणी आचार है, और आप खाएंगे तो आपका सत्वगुण वृद्धि होगा। जगन्नाथ जी का जितना सारा प्रसाद है उसको खाएंगे तो आपका सत्वगुण वृद्धि होगा। और कोई भी रजोगुणी वेजिटेबल्स यूज नहीं होता है जगन्नाथ जी के महाप्रसाद में। और ये ओऊ आचार आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ओऊ का चटनी मिलेगा कि नहीं बंगाल में पता नहीं, पर उड़ीसा में मिलता है, एलिफेंट एप्पल। तो उसमें जैसे ही टमाटो चटनी बनता है, छोटे छोटे काट काट के नारियल डाल दीजिए और शुगर सिरप डाल के फिर चटनी बना सकते हैं, खट्टा मीठा टाइप का, बहुत टेस्टी होता है। और एक होता है पम्पकिन का चटनी बनता है, खाया आपने? छोटा छोटा कद्दू को छोटा छोटा काट के और फिर अचार बनता है, और खट्टा खट्टा टाइप का, बहुत ही टेस्टी होता है। ये भी पूरी में बनता है। और एक होता है कानी का। राइस जब बन रहा है, उबल रहा है, ऐसे आपको पानी डालना है कि आपको पानी निकालना ना पड़े। मतलब उस तरह का आपको मेजरमेंट करके पानी डालना है, जैसे बिरयानी बनाते समय जैसे पानी होता है, कि राइस बनाते समय ऐसे इतना राइस बनाया, इतना पानी डाला कि पानी को निकालना नहीं पड़े। और जब राइस आधा कुक हो गया है उसके अंदर आप घी डाल दीजिए, और गुड़ का उबला हुआ गुड़ जो सिरप है वो डाल दीजिए, और बड़ी इलायची डाल दीजिए निकाल के एक 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 करके, और फिर उसको बंद कर दीजिए। तो वो रेड हो जाएगा क्योंकि गुड़ डला है, और पूरा स्लाइमी स्लाइमी हो जाएगा क्योंकि घी है और वो इलायची है, और ऐसा टेस्टी होता है। और इसको बोला जाता है कानी का। उसमें थोड़ा छोटी इलायची, बड़ी इलायची का पाउडर डालता है, और कोई कोई दालचीनी का पाउडर भी डालते हैं थोड़ा सा, बट आप डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है, पर इसको कानी का बोला जाता है। तो इस तरह, और छोले भी बनता है, और पनीर, पनीर बनता है, बट पनीर जो बनता है वो छेना को फ्राई किया जाता है और गोल गोल हो जाता है, और उसका पनीर और छोला पनीर भी बनता है। आप सब खाए नहीं होंगे पर हमने खाया है, हरे कृष्ण। फ्रूट सलाद बनता है, अलग अलग तरीके का साग बनता है। तो इस तरह जगन्नाथ जी का जो वेट प्रसाद है, हर दिन जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं। और चंदन यात्रा जब आता है तो जगन्नाथ जी का जो उत्सव विग्रह है उसको बाहर लिया जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को बहुत गर्म होता है, गर्मी लगता है। तो एक नरेंद्र सरोवर है, और नरेंद्र सरोवर में जगन्नाथ, इतना मतलब वो सरोवर के अंदर, मतलब पुकूर के अंदर रास्ता है, रास्ते में जाएंगे पुकूर के अंदर एक बड़ा सा मंदिर है, और मंदिर के अंदर आप जाएंगे बड़ा सा कुंड है, कुंड में जल, फिर कस्तूरी, चंदन, कर्पूर सब डाला जाता है। और जगन्नाथ जी का जो उत्सव मूर्ति है राम कृष्ण और कृष्ण बलराम, उनको लिया जाता है, उसमें डुबा दिया जाता है पूरा, वो डूब के रहते हैं, मतलब क्या बोलें, स्विमिंग पूल। और फिर शाम में चले जाते हैं, शाम में पहले डूब के रहते हैं, मतलब स्विम सूट पहन के ऐसे रहते हैं, कुछ पढ़ते होंगे, कुछ कुछ क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना तो करते हैं। फिर उसके बाद जैसे रात हो जाता है, जगन्नाथ जी फिर वो उत्सव मूर्ति बिठा दिया जाता है, कृष्ण बलराम को नौका में बिठा दिया जाता है, और नरेंद्र सरोवर का ऐसे पहरा लगाते हैं। और बहुत सारी आतिशबाजियाँ होती हैं ये चंदन यात्रा में, हर दिन निकलते हैं, फूल में सुसज्जित विमान में जगन्नाथ मंदिर से निकलेंगे, और नरेंद्र सरोवर, जगन्नाथ मंदिर से नरेंद्र सरोवर 2.5 किलोमीटर तक होगा। और जब निकलते हैं तो रास्ते में अलग अलग जगह पे ऐसे जो नारियल की
छाता बनाया जाता है, छतरी टाइप का, ऐसे बांस लगा दिया जाता है और नारियल की छतरी लगाया जाता है और बीच बीच में रुक जाते हैं और कृष्ण बलराम को पूरी वासी अलग अलग बेर खिलाते हैं। ओ क्या क्या बेर मिलता है ये चंदन यात्रा के समय, आपने खाया है बेर, बेरी, एक बेर होता है उसको खीर बेर बोला जाता है, उड़िया में बेर को कोड़ी बोला जाता है और बंगाल में कूल बोला जाता है। और ये खीर वाला जो कूल होता है या बेरी होता है उसको खाएंगे तो लगेगा जैसे आप स्वीट राइस खा रहे हैं। आपने खाया है कभी? आपका जीवन 1000% वेस्ट है, पूरा खीर का टेस्ट है वो। फिर उसके बाद कॉन्टेई कोली, ये छोटा छोटा बेर होता है, वो इतना टेस्ट होता है, वो पूरा ट्रांसपेरेंट बेर होता है, आप ऐसे देखेंगे तो उसका सीड दिखाई देगा और ट्रांसपेरेंट होता है और डाल देंगे और पच करके पानी निकल जाएगा और बहुत सुंदर होता है। ताल मिलता है, ताल, कच्चा हुआ ताल, कच्चा ताल, एक दिन गौशाला में निमाई ने आप सबको खिलाया था पर वो तो छोटा छोटा था, अच्छा नहीं लग रहा था और हार्ड हो गया था, उसको तुरंत खोल के तुरंत देना चाहिए, तब जाके वो उसके अंदर पानी रहता है और वो पानी बहुत टेस्टी रहता है और वो बहुत सॉफ्ट होता है और जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा वो हार्ड हो जाएगा और फिर खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो ताल, खजूर, अलग अलग टाइप का जैक फ्रूट का, केंदू होता है, एक केंदू आपने खाया है जो बीड़ी बनता है, बीड़ी जो रिक्शा वाला लोग बीड़ी बनाते हैं, तो बीड़ी का जो आउटर कवरिंग होता है पत्ता, वो केंदू का पत्ता से बनता है, उस केंदू पेड़ का जो फल होता है इतना टेस्टी होता है, इतना टेस्टी होता है। ये चंदन यात्रा में ये केंदू जगन्नाथ जी को खिलाया जाता है, मतलब जो कृष्ण बलराम जा रहे हैं, कृष्ण बलराम तो गोपाल हैं तो उनको क्या खिलाएंगे, यही सब खिलाते हैं, बेर, अलग अलग टाइप का केंदू, और इतना टेस्टी होता है। आपको अगर हर अलग अलग टाइप का बेर खाना है तो आप इसी समय पूरी में जाइए, चंदन यात्रा के समय, गर्मी के समय में आप स्नान कर लीजिए, दोपहर में सीसोर में, समुद्र में, और शाम में 4-5 बजे कृष्ण बलराम निकलेंगे, उनके पीछे पीछे चलते जाइए और वो उनका ऑफरिंग होगा, उसके बाद आपका ऑफरिंग होगा, हरे कृष्णा। तो ऐसे हम धूप में समर वैकेशन चंदन यात्रा में बिताते थे जगन्नाथपुरी में। तो और जब सब कुछ हो जाता है, रात की 12 बजे कृष्ण बलराम लौटते हैं और सब जगे हुए हैं, आपको लगेगा नहीं कि 12 बजा है, लगे क्या हो रहा है, ये तो शाम चल रहा है क्या। और जो लास्ट दिन होता है उसको भौंरी बोला जाता है क्योंकि 3 बजे तक घूमते रहते हैं, भौंरी मतलब गोलफूल, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और सब वेट करते हैं, इतना आतशबाजी होता है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर में, जैसे न्यू ईयर में आतशबाजी होता है ना, वैसे आतशबाजी होता है। और जगन्नाथ जी का इतना बड़ा तूरी है, ऐसे घूम घूम के, जैसे राजा महाराजों का निकलते हैं जो उसे होता है पे 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 पे, ऐसे आपने सुना है कभी? तो इतना बड़ा है और उसको फूंकने के लिए ना, मैं फूंक नहीं सकता हूँ, मेरा तो लाइफ एयर निकल जाएगा, मेरा प्राण वायु निकल जाएगा फूंकूंगा तो उसके साथ, तो मोटा मस्त बड़ा पूरा, जो सब ये सब जो प्रसाद बोला खा पी के सब मोटा हो गए हैं, वो पैं करके पूरा इतना जोर से, वो इतना घूमता है वो ऐसे 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 होके और जोर से आवाज़ निकलता है और वो बजेगा और विमान में निकलेंगे और वो हाथी वाती, पहले तो हाथी रहता था, अभी तो हाथी वाती नहीं है, और लोग पूरा शंख बजाएंगे, ये करेंगे और रास्ते में आप बेरी खाएंगे और पे 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 आवाज़ करके ऐसे लगेगा कि पूरा उत्सव हो रहा है और आप बैठे रहिए, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और उसके बाद मालपुआ, जानते हैं मालपुआ, रात में 2 बजे मालपुआ और डालमा खा के आप आके हरे कृष्णा जगन्नाथ जी का दर्शन और सपना देख के सो जाएंगे। खाया है मालपुआ? मालपुआ के साथ डालमा, मतलब दाल और वेजिटेबल डाल के, जो नारियल डाल के डालमा बनता है, और वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
एक मीठा और थोड़ा तीखा, वो दोनों खा के हरे कृष्ण। ऐसे जगन्नाथ जी में और बहुत सारा प्रसाद है। और कल हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी के बहुत सारे भक्त, द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, अलग 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 टाइप के भक्त। पर सोचिए, ये तो मैं आपको 10% बताया प्रसाद का, और बहुत सारे प्रसाद है उसका इंग्लिश नाम ये सब नाम मेरे को मिला नहीं, तो मैं बताया नहीं। आप जब जाएंगे, हम सब चलेंगे जगन्नाथपुरी, मैं ये सब आपको खिलाने का कोशिश करूँगा। फिर उधर भी फिर से सेमिनार देना पड़ेगा कि क्या क्या आप खा रहे हैं, आप तो भूल ही जाएंगे। पर आप सोचिए कि इतना प्रसाद है, तो मतलब आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ कितना आनंद है। और ये सब छोड़ के हम ये पिज़्ज़ा, पास्ता, बियर, शैम्पेन, रम पकड़ के इतना मुश्किल से ये जीवन इधर अतिवाहित कर रहे हैं। और आपको मैं देखा हूँ जगन्नाथपुरी में, आपको पैसा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो कभी बचपन में कोई खरीदता नहीं है। जाओ, हाथ दिखाओ और पेट भर के आपका आएंगे वापस। यू डोंट हैव टू हैव एनी मनी टू एंजॉय ऑल दिस प्रसादम। आप पूरा खाली पॉकेट जाइए और हर दुकान के सामने हाथ निकालिए, आपको देगा ही देगा, कोई मना नहीं करता है, मना नहीं करेगा। बिकॉज अगर मना करेगा तो लक्ष्मी जी का श्राप लगेगा। नो वन सेज नो। आप हाथ दिखाएं मतलब तो आपके हाथ में वो डालेगा ही डालेगा, खराब नहीं डालेगा, अच्छा वाला डालेगा। ऐसे नहीं कि अरे भिखारी है इसको खा, अच्छा वाला डालेगा, फिर भी उसका सेल होता है। तो ये भाव है जगन्नाथपुरी में जो प्रसाद वितरण करते हैं, वो सेल करते हैं जो भी करते हैं, पर आप जाइए आपको भरपेट खिलाएंगे। मैं खुद खाया हूँ, अभी भी मैं गया था तो वो खिलाते हैं, हाँ खाइए, आपको राइस दाल जो भी चाहिए सब मिलेगा। और अगर सैफरॉन में है तो और भी धोती कुर्ता पहन लेंगे तो और भी आसानी से मिल जाएगा आपको। पैंट शर्ट पहनेंगे तो थोड़ा भिखारी भी लगना चाहिए नहीं तो पर ये है कि साक्षात लक्ष्मी, ऐसे कहा जाता है जगन्नाथपुरी में कि किचन में साक्षात लक्ष्मी रहते हैं और सर्विंग जगह में साक्षात पार्वती देवी रहते हैं, अन्नपूर्णा देवी रहते हैं। और जगन्नाथपुरी में लक्ष्मी देवी साक्षात किचन में रहते हैं और आनंद बाजार में सर्विंग के समय साक्षात पार्वती देवी रहते हैं। तो जगन्नाथपुरी में जाके जो प्रसाद ग्रहण करता है वो लक्ष्मी देवी के स्वयं हाथों से बनाया हुआ खाना और पार्वती देवी के स्वयं हाथों से, आप हाथ निकालिए, हाथ जो आप में प्रसाद जो आपके हाथ में गिर रहा है आपको समझना चाहिए स्वयं अन्नपूर्णा देवी पार्वती देवी आपके हाथ के ऊपर प्रसाद के। बिमला देवी जो पार्वती देवी हैं वो सर्विंग करते हैं और लक्ष्मी जी खाना बनाते हैं। इस तरह ये दोनों जगन्नाथ जी पुरी में, जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं उन सबको सेवा करते हैं। देखिए कितना सेवा भाव है। तो हमको सीखना चाहिए इनसे कि कैसे सेवा करना चाहिए भक्तों का। और कोई भेदभाव नहीं देखता है कि अरे ये छोटा है, गरीब है, सबको प्रसाद मिलता है अनलिमिटेड। आपके पास अगर पैसा है तो आप खाएंगे खुद, और आपके पास अगर नहीं है पार्वती देवी स्वयं बिमला देवी आपको महाप्रसाद खिलाएंगे। तो अगर आप बिना पैसा का फटे हुए कपड़े के पहन साथ जाएंगे तो आप स्वयं बिमला देवी के हाथ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो सेवा ही हमारा जीवन का धन है। देखिए लक्ष्मी, बिमला देवी, इतना जगन्नाथ जी, उनको पता है जगन्नाथ जी को कैसे प्रेम कर सकते हैं। जगन्नाथ जी को प्रेम करना मतलब उनके भक्तों को सेवा करना। और जब तक हमारे हृदय में भक्तों का सेवा करने का भाव जागृत नहीं हुआ है तब तक हम भगवान के करीब पहुंच नहीं पाएंगे।
और बिमला देवी और लक्ष्मी देवी स्वयं जगन्नाथ मंदिर में सेवा कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि अगर आप जगन्नाथ जी के करीब बनना चाहते हैं तो आप भक्तों का सेवा कीजिए, भक्तों का सेवा, सेवकों का सेवक बन के सेवा कीजिए, प्रसाद खिला के, भक्तों का कुछ अगर सहाय चाहिए करके, प्रसाद सर्विंग करके, जिस तरह भी हो अगर हम भक्तों का सेवा करेंगे तो जगन्नाथ जी के करीब हो सकते हैं। क्योंकि एका तो भकत जीवन भकत पाई तो तोरो शंख चक्र चिन्ह, ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के आराधना में एक गाना है, एका तो भकत जीवन, योर ओनली लाइफ ओ लॉर्ड जगन्नाथ इज योर डिवोटीज, डिवोटीज आर द लाइफ एंड सोल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। भकत पाई तो तोर शंख चक्र चिन्ह, एंड बिकॉज यू लव डिवोटीज दैट्स व्हाई यू हैव शंख टू गिव ब्लेसिंग्स टू योर डिवोटीज एंड चक्र टू गिव प्रोटेक्शन टू योर डिवोटीज। भकत पाई तो तोर उड़े पतित पावन बाना, देयर इज पतित पावन बाना विच इज फ्लोइंग जस्ट टू गिव प्रोटेक्शन टू डिवोटीज। सो इफ लॉर्ड loves his devotees so much and all of your devotees of the Lord, and by serving devotees with humble heart like Lakshmi ji and Bimala Devi, we can win the heart of Lord Jagannath. So tomorrow we'll be hearing about the wonderful devotees of Lord Jagannath who are served by Lakshmi ji and Bimala Devi. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sri Jagannath Swami ki, Jagannath Balabhadra Subhadra Maharani ki, Jai Jagannath Rathiyatra Mahamohoshab ki, Jai Shila Prabhupada ki, Nitai Gaur Premanande. Amen.